Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 17th of October. So let's start the day with the first important topic and that is Indian Ocean Rim Association. So IORA, इसके बारे में हम discuss करेंगे. श्रीलंका जो है वो take over कर रहा है chairmanship Indian Ocean Rim Association का, जो कि 23rd Council of Ministers जो schedule किया गया है October 2023 में श्रीलंका के ही कोलंबो शहर में. तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं. सवाल हो सकता है, IORA जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो establish किया गया है 1997 में और इसमें 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं, मतलब मेंबर्स में आप कह सकते हो 23 हैं. सेक्रेटेरिएट है एवेने मॉरिशियस. तो देखिए ये इंटर गवर्नमेंटल है, 1997 में बनाया गया है और सेक्रेटेरिएट इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मॉरिशियस में है. इसका जो एपेक्स बॉडी है वो है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो एनुअली मिलता है. इसी के साथ साथ में आप देखोगे इसके में मेंबर्स में तो एशिया के सदस्य में भारत है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन. यानी कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी चाइना या पाकिस्तान भी देखने को नहीं मिलेगा. बांग्लादेश है लेकिन पाकिस्तान नहीं है. अफ्रीका के तरफ से केनिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, टंजानिया, कोमोरोस, मॉरिशियस और सेशल्स. तो हमने देखा इसका हेडक्वार्टर्स भी मॉरिशियस में ही है और ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से फ्रांस. तो ये आप देख सकते हो कि पूरे इसके मेंबर्स हैं, आपको ध्यान रखना है. जो नहीं है थोड़ा बहुत ये आप ध्यान रख सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं डायलॉग पार्टनर्स में, तो चाइना डायलॉग पार्टनर्स का हिस्सा है लेकिन मेंबर स्टेट्स का नहीं है, यह ध्यान रखना है. इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, साउथ कोरिया, रशिया, तुर्की है, यूके और यूएसए. यूएई जो है वो रोल ऑफ चेयर था 2019 से 2021 तक, फिर उसके बाद में बांग्लादेश को मिला था 2023 तक के लिए, ठीक है, और अब ये श्रीलंका को मिल रहा है. श्रीलंका जो है वो चेयरमैनशिप लेगा इसका 2023 से 2025 तक. अब हम बोलेंगे भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां आप देखोगे ये पिवोटल रोल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. भारत का जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स है इंडियन ओशन में, स्ट्रेटेजिक, ठीक है, फिर इकोनॉमिक और फिर इसी के साथ साथ में डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स इंडियन ओशन में. कंसर्न क्या है कि ये जो IORA फोरम है ये पॉसिबल विजिट है चाइनीज रिसर्च वेसल का, कोइंसाइड कर रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि शियान 6 जो है श्रीलंका में है. तो भारत और यूएस जो है वो रिपोर्टेडली रेस किए इस मैटर को श्रीलंका के साथ कि ऐसा कुछ हो तो आप इसको मना करिए. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स का. तो व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स जो है वो माने गए हैं कि उनका रिसेंटली इजरायली स्ट्राइक जो हुआ है हमास पे वो उसी वॉर क्राइम में आते हैं. ये केमिकल सब्सटेंस है जो डिस्पोज किया गया आर्टिलरी शेल्स में, बॉम्ब्स में, रॉकेट्स में और मोर्टार्स में, जो प्राइमरीली ऑब्स्क्योर करता है मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है, और ये सीरियस इंजरी और डेथ होता है जब आप इसको देखोगे स्किन में या फिर इनहेल कर लिया जाए, और ये आप दृश्य देख सकते हैं. और इसी के साथ साथ में व्हाइट फॉस्फोरस एक केमिकल सब्सटेंस है जो कैरेक्टराइज किया गया है कि वो मतलब वैक्स की तरह है जो टिपिकली येलोविश या कलरलेस अपीयरेंस होता है. इसका जो ऑर्डर है वो गार्लिक है, ठीक है, और ये पोजेस करता है रिमार्केबल प्रॉपर्टी इग्नाइटिंग इंस्टेंटली अपॉन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के संपर्क में आने से फटाक से जो है वो इग्नाइट होगा. अलार्मिंग कैपेसिटी है टू इनिशिएट फायर्स जो बर्न करता है फियर्सली और स्प्रेड होता है ऑन द ग्राउंड. एक बार इग्नाइट हो जाएगा तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है प्रूव करता है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये मतलब एक्सटिंग्विश करना, उसको बुझा पाना, और फिर ये काफी ज्यादा सरफेस में आ जाता है इंक्लूडिंग स्किन और क्लोथिंग. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रेंडर करते हैं हैजर्डस से लेकर के सिविलियन पॉपुलेशन तक को, डीप बर्न्स पेनिट्रेटिंग इवन थ्रू बोन और बाकी सारी चीजें. नेक्स्ट व्हाइट जो है वो अपने आप में क्लासीफाई तो नहीं किया गया है केमिकल वेपन को अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, हालांकि ये इसका जो नेचर है वो काफी ज्यादा मतलब खतरनाक है. इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटेंड करता है प्रोटेक्ट करने के लिए सिविलियंस को, प्रिवेंट करता है इनडिस्क्रिमिनेट हार्म कॉन्फ्लिक्ट्स के समय में, और ये जो यूज है व्हाइट फॉस्फोरस का वॉरफेयर में ये सब्जेक्ट है रेगुलेशंस को जो आउटलाइन किया गया है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स. नेक्स्ट ये प्रोटोकॉल साइन किया गया जेनीवा में 1980 में और इन्फोर्स हुआ है 1983 से. कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है वेपन्स को लेकर के और व्हाइट फॉस्फोरस को. ये प्रोटोकॉल में इन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, यूएस, इजराइल, पैलेस्टाइन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और यूक्रेन एम करते हैं मिनिमाइज करने के लिए सफरिंग जो इस वेपन से हो. नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है कोऑपरेशन रिसेंटली उन्होंने एड्रेस किया है 89th जनरल मीटिंग इसका. तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं. इसको बनाया गया 1963 में एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का पार्ट है और फंक्शंस है प्लानिंग, प्रोमोटिंग और फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीज़ों से है. इसी के साथ साथ में नेक्स्ट है फेलियर ऑफ पेगासस सॉफ्टवेयर. तो डिस्पाइट इजराइल्स एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स, पेगासस और आयरन डोम जो है वो अनेबल है इवेट कर पाने में अटैक को जो हमास के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करा गया.
तो यहाँ आप देखोगे पेगासस, तो ये एक इजरायली स्पाईवेयर है जो कि इन्फिल्ट्रेट करता है टारगेटेड मोबाइल फोन को और एक्सेस करता है फोन नंबर्स को, कॉल लॉक्स को, इंटरनेट सर्चेस को, पासवर्ड्स को, सोशल मीडिया को, कम्युनिकेशंस को और कैमरास को बगैर यूजर के नॉलेज के। पेगासस इजरायली स्पाईवेयर, ठीक है। तो इजराइल का आयरन डोम किस तरीके से वर्क करता है, तो यहाँ पर आप देखोगे एनिमी अगर रॉकेट फायर करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे रडार सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर लेता है रॉकेट को और ट्रैक कर लेता है। फिर यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो है वो एस्टिमेट करता है इंपैक्ट पॉइंट को कि यहाँ कहीं वो इंपैक्ट करेगा, और फिर लॉन्चर फायर करता है मिसाइल को कि वो इंटरसेप्ट करे, और यहाँ पे हवा हवा में ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस पे आयरन डोम सिस्टम जो है वो काम करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में नेक्स्ट है हमारा सेरम माई लैब लॉन्च टीबी किट फॉर लेटेंट इन्फेक्शंस। तो एक पॉइंट ऑफ केयर स्कैन जो है टेस्ट वो ट्यूबरक्यूलोसिस डिटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। और यहाँ पर ये लेटेस्ट है टीबी जर्म्स है कि नहीं है उन चीज़ को पता लगाने के लिए, अगर कोई सिम्टम नहीं भी दिखा रहा है और आगे चल करके टीबी हो सकता है या नहीं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, लंग्स को यूजुअली अफेक्ट करता है। और बैसिले कैलमेटी गुवेरिन वैक्सीन जो है बीसीजी ये बेबीज को दिया जाता है या स्मॉल चिल्ड्रन को ताकि प्रिवेंट किया जा सके टीबी को। तो ये बीसीजी वैक्सीन का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, टीबी से ही रिलेटेड है। निक्षय पोषण भी है जहाँ पे ₹500 जो है वो ट्रांसफर किया जाता है डीबीटी के फॉर्म में। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर टीबी पेशेंट्स होंगे तो। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का था। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और लाइक करते रहिए। बाकी भी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे तो आप उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।